हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ बहुत ही लजीज और क्रीमी शाही टुकड़ा की रेसिपी। तो चलिए, इसके लिए जो भी ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स हैं हम पहले उसे देख लेते हैं। दूध 1 लीटर, चीनी आधा कटोरा, इसे आप अपने स्वाद अनुसार कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। ब्रेड, काजू 100 ग्राम और 1/2 टीस्पून फूड कलर। ब्रेड को उसके साइड को कट करके इस तरह से निकाल लेना है। दूध को हमने बॉईल होने के लिए चढ़ा दिया है, इसमें हम चीनी डाल देंगे और इसे बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। काजू का हमने पेस्ट बना लेना है। पेस्ट बनाने के लिए इसमें पानी नहीं, दूध डालेंगे। फूड कलर को हमने इस तरह से थोड़े से दूध में घोलकर रख लिया। काजू का भी इस तरह से हमने पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है। दूध बॉईल हो चुका है, हम फ्लेम को कम कर देंगे और जो फूड कलर हमने घोल के रखा हुआ है उसे दूध में डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें पेस्ट बनाया हुआ काजू वो भी ऐड कर देंगे। इसे धीमे आंच में गाढ़ा होने तक पकाएंगे। दूध अब ठीक हो चुका है, अब हम फ्लेम बंद करके इसे 50% तक ठंडा करेंगे, यानी कि 10 मिनट तक इसे हम थोड़ा ठंडा होने देंगे। ठंडा होने पर ये और भी ज़्यादा ठीक हो जाएगा। जब तक दूध ठंडा हो रहा है तब तक हम ब्रेड को रिफाइंड या बटर सेक लेंगे। इस तरह से इसे अलट पलट कर दोनों साइड से सेक लेना। प्लेट में हमें सर्व करना है, उस प्लेट में पहले थोड़ा सा दूध उसको डाल के निकाल लेना है। इस तरह से हमने सारे ब्रेड को अच्छे से डिप करना है थोड़ी देर तक। दूध को पूरा ठंडा नहीं होने देना है, थोड़ा ठंडा होने देना है। इस तरह हमारा इसे फिर हम इसे काजू चाहे बादाम से गार्निश कर देंगे। ये हमारा शाही टुकड़ा बनकर तैयार है। चक्कर बताइएगा जरूर कैसा बना है। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और हमारी वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा।